क्या ये प्रॉब्लम थी आपकी किसी की कि एक्स स्क्वायर अपॉन है वन प्लस एक्स क्यूब है एन टू प्लस एक्स क्यूब डीएक्स, तो इसमें क्या करते हैं बेटा, फर्स्टली हम एक्स क्यूब को टी कंसीडर कर लेते हैं, एक्स क्यूब का क्या रहेगा बेटा थ्री एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू डी टी, तो क्या रहेगा बेटा एक्स स्क्वायर डीएक्स किसके इक्वल आ गया वन बाई थ्री डी टी के इक्वल आ गया, तो वन बाई थ्री मैंने बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर डीएक्स की जगह क्या आ गया बेटा डी टी, और यहाँ पे कितना आया वन प्लस टी एन टू प्लस टी। अब आपका सेम क्वेश्चन वही आ गया कि वन बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ डी टी वन प्लस टी एन टू प्लस टी को क्या लिख सकते हैं बेटा हम ए अपॉन वन प्लस टी प्लस क्या रहेगा बेटा बी अपॉन टू प्लस ए टी, वही बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो क्या रहेगा वन बाई थ्री, इधर क्या रह जाएगा ए इंटू टू प्लस टी प्लस बी इंटू वन प्लस ए टी, आगे तो आप सोल्व कर ही लोगे। तो देखिए बेटा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका, इवेलुएट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो इसमें क्या करना है आपको कि जो एक्स स्क्वायर है ना वो लेट कर लिया आपने टी के इक्वल, डिफ्रेंशिएशन नहीं करना इस चीज का ध्यान रहे आपको ठीक है, तो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा टी अपॉन टी प्लस वन एंड टी प्लस फोर के इक्वल आ जाएगा ठीक है, तो ये वही फॉर्म बन गई आपकी, इसको मैं ये क्या लिख सकती हूँ ए अपॉन टी प्लस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस ए फोर ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई टी वन टी प्लस वन एंड टी प्लस फोर, मल्टीप्लाई किया तो बेटा इधर तो कितना आ गया टी प्लस वन इंटू टी प्लस फोर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इधर तो कितना आ गया टी प्लस वन इंटू टी प्लस फोर इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा ए अपॉन टी प्लस वन, इसके साथ भी मल्टीप्लाई क्या टी प्लस वन एंड टी प्लस फोर प्लस बी अपॉन टी प्लस फोर, इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई बेटा टी प्लस वन एंड ए टी प्लस ए फोर, ये आ गया, ये तो बेटा कैंसिल आउट हो गया, या टी प्लस वन से टी प्लस वन टी प्लस फोर से, तो इधर तो क्या रह गया टी ए इंटू टी प्लस फोर प्लस क्या रह गया बेटा बी इंटू टी प्लस ए वन, वही क्या करते बेटा कोफिशियंट कंपेयर करते हैं हम, मैंने बता रखा है भाई जो ए के फोन में उसको जीरो के इक्वल सेट कर लो, तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस वन रखो माइनस वन ये आ गया माइनस वन रखा तो कितना आ गया बेटा थ्री ए, और ये जीरो हो जाएगा तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई माइनस वन बाई थ्री, उसके बाद जो बी के फोन में उसको जीरो रखा तो बेटा टी की वैल्यू कितनी आई माइनस फोर, तो इधर तो कितना आ गया माइनस फोर माइनस फोर रखा तो ये जीरो आ गया माइनस फोर रखा तो ये कितना आ गया बेटा माइनस थ्री भी आ गया, तो बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा आपकी फोर बाय थ्री के इक्वल, तो क्वेश्चन जो सारा था ये किसके इक्वल लिया मैंने ए ए की वैल्यू माइनस वन बाय थ्री इंटू टी प्लस वन बी बी की जगह बेटा फोर बाय थ्री इंटू टी प्लस ए फोर ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये बेटा अभी डीएक्स के अंदर है क्योंकि मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर टी के अंदर पुट तो कर लिया था लेकिन डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, अब दोबारा से वैल्यू पुट अप कर लीजिए क्योंकि डीएक्स है तो एक्स के अंदर ही चाहिए हमें फंक्शन, वन अपॉन टी टी किसके इक्वल है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स प्लस क्या आ जाएगा आपका वन बाय थ्री कितना आ गया वन अपॉन टी टी किसके इक्वल बेटा एक्स स्क्वायर प्लस फोर डीएक्स, तो यहां अगर आप देखो तो बेटा एक फॉर्मूला लग गया, वो फॉर्मूला ये लग गया आपका कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स बाई वन आ गया प्लस यहां से क्या रहेगा बेटा फोर बाई थ्री वन बाई ए, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ टू का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो वन बाई ए ए कितना है टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स बाई टू एंड प्लस क्या आ गया सी, तो यहां से तो कितना आया माइनस वन बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस यहां से बेटा टू बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई टू एंड प्लस क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, इससे नेक्स्ट भी आपका यही है बेटा क्या करोगे फर्स्टली जो एक्स स्क्वायर है उसको टी कंसीडर कर लोगे, इसके जो फोर्थ पार्ट में फोर्थ पार्ट बेटा अभी जो मैंने फर्स्ट पार्ट समझाया था वो एज इट इज है क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो इसने कहा कि एक्स टू एक्स अपॉन है एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स, यहां आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, इसने क्या कहा कि जो एक्स स्क्वायर है वो किसके इक्वल ले लिया आपने टी, डिफ्रेंशिएशन किया टू एक्स इज इक्वल टू बेटा डिटी बाई डी एक्स, रिक्वायरमेंट किसकी है टू एक्स की एंड डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा डिटी, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा डिटी अपॉन टी प्लस वन एंड टी प्लस थ्री, इसका आप क्या कर दोगे सीधा ही कर दोगे ए अपॉन टी प्लस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस ए थ्री ठीक है, तो इसका आपको दोबारा से जैसे इसमें तो टी की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या की थी बेटा दोबारा पुटअप कर ली थी कि टी की वैल्यू यहाँ पे दोबारा, यहाँ टी की वैल्यू दोबारा नहीं पुटअप करना सीधा क्योंकि डिटी के अंदर ही आ गया आपका, तो ये सोल्व कर लेना। नेक्स्ट देखिए बेटा आपका ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन ऊपर भी आपके, तो पहले तो आप क्या करोगे सोल्व करोगे, सोल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा एक्स की फोर फोर प्लस वन फाइव एक्स स्क्वायर एंड प्लस फोर,
नीचे अगर सोल्व करोगे तो कितना आ गया बेटा, x की 4 माइनस का 5 एंड प्लस का 3, तो माइनस के 2x² एंड माइनस के 15 dx। तो बेटा मैंने क्या बता रखा है, इफ है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर के या तो इक्वल है या फिर ये ज्यादा है, तो क्या करते हैं बेटा फर्स्टली हम कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद है जितने पे भी आपका 1 पे तो जाएगा ही जाएगा, प्लस जो रिमाइंडर बचे वो अपॉन है आपका ये, और ये किसके इक्वल है बेटा, वही x² + 3 एंड x² - 5 इसके इक्वल है, और ऊपर आपका रिमाइंडर है, ऑब्वियस सी बात है कि x³ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई x² के अंदर ही रिमाइंडर बचेगा। x² के अंदर फिर वही अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था कि लेट कर लोगे क्या बेटा, कि जो x² है वो t के इक्वल, यहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं करोगे आप तो ऐसे सॉल्व कर लेगा। ठीक है जी, अगर किसी की प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपकी नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है पार्शियल फ्रैक्शन का, वो क्या आता है कि 3x - 2 अपॉन इसमें ये दे रखा है, तो इसको देखिए हम कैसे चेंज करेंगे बेटा। x+1 का होल स्क्वायर एंड x+3 क्या पुटअप करेंगे, a/x+1 प्लस b/x+1 का स्क्वायर प्लस c/x+3। अब कहोगे कि मैडम कैसे, ठीक है अभी तक तो क्या था यहाँ बेटा आपका स्क्वायर नहीं था, या स्क्वायर था तो इसका मतलब क्या था, अभी तक मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया होगा तो आपका ये आया होगा, इस टाइप में कोई क्वेश्चन आया होगा, तो यहाँ अगर आपने देखा होगा तो बेटा अगर एक दो क्वेश्चन आए होंगे तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हुआ होगा, और फॉर्मूला जब आपने अप्लाई कर दिया होगा तो इट मीन्स आपका ये बना होगा x+1, x-1 एंड x+3। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो सारे क्या है आपके अलग आए होंगे, तो आपने अलग अलग अपॉन में कर लिया a/+b/+c/। यहाँ आपने देखा यहाँ बेटा होल का स्क्वायर है, ठीक है अभी जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें भी आपने देखा होगा यहाँ नीचे स्क्वायर x² + 3 है, अब क्या आ गया इस कंप्लीट का होल स्क्वायर आ गया, तो होल स्क्वायर जब भी रहेगा तो क्या रहेगा बेटा, a/ पहले ये प्लस b/ इसका स्क्वायर प्लस c/ ये। मान लीजिए यहाँ एक और मैं बाय द वे बता देती हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास ये होता तो क्या करते कि इसका क्यूब होता एंड x+3 होता, तो क्या करते बेटा x+1 + b/x+1² + c/x+1³ एंड प्लस क्या रहता है बेटा d/x+3। तो यहाँ जितनी भी पावर है उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पावर 2 थी तो एक बार तो क्या रहेगा बेटा पावर 1 रहेगी, उसके बाद 2 रहेगी, अगर यहाँ पावर 3 होती तो एक बार 1 फिर 2 और फिर 3 और प्लस तीसरा क्या आ जाता डी। तो क्या है बेटा आपका क्वेश्चन ये है, बोथ साइड वही बेटा क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं x+1 का होल स्क्वायर एंड x+3 से, तो इधर तो क्या रह जाएगा 3x - 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया मैंने, इधर क्या रहेगा बेटा a × क्या किया है मैंने कि x+1 के स्क्वायर एंड x+3 से मल्टीप्लाई किया है, तो एक कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा x+1 एंड x+3 बचेगा, प्लस b × यहाँ भी बेटा किससे मल्टीप्लाई, x+1 का स्क्वायर एंड x+3 तो स्क्वायर से कैंसिल, तो b के साथ क्या रहेगा बेटा x+3 प्लस c × क्या रहेगा बेटा यहाँ तक x+1 का होल स्क्वायर एंड x+3 तो यहाँ इससे कैंसिल, तो c × क्या रहेगा बेटा x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है वही क्या करना है बेटा आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फर्स्टली तो मैंने बता रखा है जो इनके अपॉन में होता है वहीं से, अब यहाँ से सारी वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी आपके पास, एक वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है दो हो सकती है। फर्स्टली क्या क्या बेटा आपने कि जो एक्स के अपॉन में उसको 0 के इक्वल सेट किया कि x+1 = 0, तो x = कितना -1, एक्स की वैल्यू -1 रखी है बोथ साइड, -1 रखा तो कितना आया -3 एंड -2 कितना आया -5, -1 रखा तो ये 0 आ गया, -1 रखा तो ये कितना आ गया बेटा 2 भी आ गया, -1 रखा तो ये कितना आ गया 0, तो b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई -5/2 के इक्वल आ गई। ठीक है जी, अब इसको रखोगे b के अपॉन में क्या है बेटा आपका कि x+1 का होल स्क्वायर है, जब इसको 0 रखोगे तो भी क्या रहेगा x = -1 ही आएगा, और x = -1 रखे तो हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब क्या करते हैं बेटा c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, c के अपॉन में उसको 0 सेट करोगे तो c के अपॉन में क्या है x+3, x+3 अगर 0 के इक्वल है तो x = कितना बेटा -3, -3 रखो यहाँ पे -3 -9 एंड -2 -11, -3 रखा तो ये 0, -3 रखा तो ये 0, -3 रखा तो -3+1 कितना है -2, -2 का स्क्वायर कितना बेटा 4, c की वैल्यू कितनी आ गई -11/4। अब आपके पास b की वैल्यू नहीं आई, a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू नहीं आई,
एक ही वैल्यू क्या करोगे बेटा, अब आप कोफिशियंट कंपेयर करके फाइंड आउट करोगे। कैसे करोगे, क्या था बेटा हमारे पास 3x-2 a, या इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कितनी आ गई, x2+4x+3 आ जाएगा, प्लस b कितना आया बेटा x+3 प्लस सी, सोल्व करोगे तो x2+2x+1 आ जाएगा आपके पास। कोफिशियंट देखिए किसका कंपेयर करोगे आप, x का कोफिशियंट कंपेयर करो, तो इधर तो x का कोफिशियंट कितना भाई 3, इधर x का कोफिशियंट कितना, यहां से 4 आ जाएगा, यहां से x का कोफिशियंट कितना बेटा b, और यहां से x का कोफिशियंट कितना आ जाएगा ये 2c। अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 3 = 4a, प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5/2, प्लस 2c की वैल्यू कितनी है -11/4, सोल्व कर लो 3 माइनस इधर आएगा प्लस का 5/2, प्लस का कितना बेटा 11/2 इज इक्वल टू क्या रह गया आपका 4a, एलसीएम कितना आया 2, कितना आया 6+5+11 इज इक्वल टू 4a, सोल्व किया तो कितना आ गया बेटा 22/2 इज इक्वल टू 4a, ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 11/4 के इक्वल। तो ये सारा क्वेश्चन हमने इसके इक्वल पुटअप कर लिया था भाई, तो सारा क्या रहेगा ए की वैल्यू कितनी है 11/4 अपॉन में क्या x+1, बी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी -5/2 अपॉन में कितना x+1 का होल स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी -11/4 और अपॉन में कितना x+3, इन सभी का इंटीग्रेशन तो क्या आएगा बेटा 11/4 1/x+1 dx -5/2 1/x+1 का होल स्क्वायर dx -11/4 है 1/x+3 dx। तो ये तो क्या बन गया इसका, तो बेटा लोग में बन गया लोग x+1 -5/2, ये पावर ऊपर जाएगी तो बेटा माइनस की होगी, तो कितना आ गया x+1 - 2+1/-2+1 -11/4, इसका बेटा लोग में क्योंकि 1/x बन रहा है तो क्या रह जाएगा लोग में बन जाएगा इसका, तो इसलिए आप इसको आप कंप्लीट क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, तो आपको ये फोर्थ क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है ये सारे आपको सोल्व करना है, ठीक है जी।